गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट दिस इज योर मैथ्स क्लास, आई एम योर मैथ्स टीचर. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज 9.3 व्हिच इज फ्रॉम चैप्टर 9. ओके, तो अभी आपका चैप्टर 9 जो चल रहा है वो चल रहा है मनी. तो मनी में हमने स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1 और 2 अभी बताया था. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3. इसमें आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ रुपीज एंड पैसा. आपको एडिशन यानी कि जोड़ना है रुपीज और पैसा, रुपए में पैसे को जोड़ना है. ओके, तो कोई भी, क्योंकि मनी जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हैं, कुछ भी आप लेते हैं, तो आप उसके बदले में उसको क्या करते हो, उसके बदले में उसको आप उसको मनी देते हो, और उसके मनी के बेस पे वो आपको आपका सामान दे देता है. वो आपसे क्या लेता है, मनी लेता है, और आप उसको सामान देते हो. तो आपको पता होना बहुत जरूरी है, इतना ये आना बहुत जरूरी है कि हमने इस चीज के कितने रुपए देने हैं, या आपने उसको पैसे दिए तो वो आपको बदले में उसके कितने आपको कट करके पैसे वापस करेगा. तो ये सब आना बहुत जरूरी है. ओके, तो चलिए अभी हम सीखेंगे एडिशन ऑफ रुपीज एंड पैसा, हम रुपी और पैसे को कैसे जोड़ते हैं. देखिए पहला आपके दिया है एग्जांपल, कोई समझ लेते हैं. ऐड करना है आपको 46 रुपीज को 55 पैसा एंड 22 रुपीज 10 पैसा. तो 46 रुपीज 55 पैसा एंड 22 रुपीज और 10 पैसा, इसमें आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है. ठीक है, ऐड करना, एडिशन दिया है तो हम लिख लेंगे एक साइड हम रुपीज लिख लेंगे और दूसरी साइड पैसा. तो 46 रुपीज है, 46 लिया, पैसे कितने हैं 55 लिख दिए. दूसरा इसी के सेम इसके नीचे लिखेंगे, इसके रुपीज कितने हैं 22, तो हमने ये लिख लिए. उसके बाद कितना है पैसा, 10 पैसा, तो हमने 10 पैसा लिख दिया. ओके, अब हम इनको ऐड करेंगे. तो पहला क्या है, पहले तो हमने इनको टू कॉलम में बना दिया, इनको लिख दिया. आप क्या करेंगे, ऐड पैसा एंड राइट द सम ऑफ ऑर्डर, इन पैसों को ऐड करेंगे और लिख देंगे. तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, 5 को 0 में प्लस करेंगे तो 5 ही रहेगा. 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, ये लिख दिया. ओके, नेक्स्ट ऐसे देखिए, अब नेक्स्ट है 6 रुपीज और 2 रुपीज कितना हो गया, 8 रुपीज. उसके बाद है 4 रुपीज और 2 रुपीज कितना हो गया, 6 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मल बस आपको उनको टू कॉलम पे लिखना है, ऐसे पैसे के नीचे पैसा और रुपए के नीचे रुपया, ऐसे लिखना है. फिर आपको नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हैं ऐसे ही आपको ऐड करना है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आपकी एक्सरसाइज ये है 9.3, इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें है 38 रुपीज 25 पैसा को प्लस करना है 46 रुपीज और 65 पैसे में. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप कैसे करेंगे, रुपीज को पैसे को पैसे में करते हैं, रुपीज को रुपीज में करेंगे. 5 पैसे और 5 पैसे कितने हो जाएंगे, 10 का आ गया 0, कैरी हो गया 1. ओके, उसके बाद क्या है, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ये तो आ गया 90 पैसा. अब आगे करो, 8 और 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 8 और 6 कितना हुआ, 14. ओके, 14 यहां लिख दिया. अब 1 आया हमारा कैरी, 1 हमने यहां लिख दिया. 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 और 4 कितना हो गया हमारा यहां, 8. ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आपको प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, बहुत इजी है. अब हमारा यहां कितना हो गया, 84 रुपीज 90 पैसे. ठीक है, एक और देखते हैं, 5 में 0 प्लस करेंगे, 5 का 5 रहेगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, ये क्या आ गया, 55 पैसा. अब रुपीज करते हैं, 2 और 1 रुपीज कितना हो गया, 3 रुपीज, 4 और 3 रुपीज कितना हो गया, 7 रुपीज. ओके, तो ये हमारा कितना हो गया, 73 रुपीज 55 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आपको ये करना है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है. आपको नॉर्मल ऐड करना है, जैसे आप अब तक ऐड करते हुए करते आए हैं, सेम वैसे ही आपको उसमें ऐड करना है. चलिए एक और देखते हैं स्टूडेंट्स, ये कितना है, 5, और ये कितना है, 5, 5, 5 पैसे हमारा कितना हो जाएगा, 10, 10 का आ गया या 0, कैरी क्या आ गया, 1 यहाँ आ गया. ओके, अब 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 7, ओके, 7 और 1 8, यहाँ 8 आ गया.
ओके स्ट्रिंग्स, ये तो हमारा क्या आ गया 25 और 55 पैसे को हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 80 रुपीज। नेक्स्ट है अब रुपीज को जो 80 पैसा सॉरी अब रुपीज को जोड़ते हैं, 5 और 3 कितना हो गया, 5 में हम 3 को प्रेस करेंगे तो ये हमारा हो गया 8। ओके अब नेक्स्ट क्या है हमारा 4 को हम 2 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 हमारा हो गया 6। ओके स्टूडेंट ये हो गया हमारा 68 रुपीज 80 पैसा। ओके चलिए एक और देखते हैं, अभी इसको करते हैं 33 रुपीज 70 पैसा 56 रुपीज 25 पैसा। ठीक है तो इसको ये जो है आपको सेम ऐसे ही आपको करना है, ये मैंने 3 आपको करा दिए स्टूडेंट्स, बाकी का आपको खुद करना है। ओके थैंक यू।